देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12th के बी का सेकंड पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी से जो है आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको समझ में आएंगे इस वाली वीडियो में। तो देखो करना क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसके लिए जो होते हैं कई तरह के फॉर्मूले यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें भी हम कुछ फॉर्मूले यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, जहाँ आपको बोला है कि जो थीटा है वो 0 और 2 पाई के बीच में है। किसके? 0 और 2 पाई के बीच में थीटा है, यानी चारों क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है। जब भी 0 और 2 पाई वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको चारों क्वाड्रेंट में चेक करना है कि थीटा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, तो वो तरीका मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। जैसे सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहला फॉर्मूला तो हम ये यूज़ करेंगे। दूसरा हम क्वाड्रेंट रूल यूज़ करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि चार क्वाड्रेंट में जो चीज़ें होती हैं, साइन थीटा जो होता है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन थीटा सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, दूसरा क्वाड्रेंट होता है। इसको हम लिखते हैं π/2 माइनस थीटा, इसको हम लिखते हैं π/2 प्लस थीटा, ये भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हम π-θ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी। तो मैं इसका यूज़ करूँगा और इसका यूज़ करूँगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, π/2 माइनस थीटा का मतलब ये होता है कि आप टेबल में ही वैल्यू की बात कर रहे हो। टेबल में वैल्यू जैसे 0, 1/2, 90 तक आपने टेबल पढ़ी होगी क्लास 9th और 10th में अपनी IAS में, तो 90 तक टेबल जो होती है वही आपकी है। तो क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करना है उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है। आपसे बोला है थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 बन जाएगा। अब क्या करो, ये जो 1 है ना, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं और 1/4 को इधर लेके चले जाते हैं। मतलब क्या है इसका कहने का, इन पूरे को उठा के चाहो तो आप इधर लेके चले जाओ। इधर जब लेकर जाओगे तो ये क्या बनेगा, ये 1/4 है, -1 बन जाएगा क्योंकि प्लस का 1 है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस साइन थीटा बन जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, इधर आके प्लस हो जाएंगे, और इस तरफ जो बचेगा वो खाली 0 बचेगा। एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो ये बन जाए 4 × 4, तो ये बनता है 3/4 माइनस का। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -3/4 इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर इसका एलसीएम सबके साथ में ले लेते हैं, इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3/4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर गया तो हो गया 0, तो ये मिला 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी 2 पावर होती है। देखो, स्क्वायर पावर, फिर एक कम पावर होती है, फिर 0 पावर हो जाती है। तो इसमें हमको करना किस तरीके से, इस वाले क्वेश्चन को हम साइन थीटा इज इक्वल टू जो है वो एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 4x² + 4x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ज़रा। 4x² + 4x - 3 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ज़रा, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसके हम फैक्टर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। 4 × ये जो 4x² के साथ में जो नंबर है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। 4 × 3 = कितना होता है, 12। 12 के फैक्टर करो, कितने फैक्टर कर सकते हैं, 2 6 = 12 और 2 3 = 6 और 3 1 = 3। ठीक है, तो क्या मिलता है, 2 × 2 × 3 ये मिलता है। इसको किस कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो कि ये बीच वाला नंबर बन जाए। बीच वाला नंबर जो है वो 4 है, तो ये आपको 4 बनाना है, 4 बन जाएगा इसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, 3 2 = कितना होता है, 6 होता है। ये वाले, ये दोनों नंबर लेंगे और इसमें से तीसरा वाला जो नंबर है ये वाला माइनस कर देंगे, तो 6 - 2 हम इसको लिख रहे हैं। तो देखो अब इसको करने का तरीका, तो हम इसको लिख रहे हैं 4x² + 4x - 3, ये था हमारे पास में, इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है कि इसको जो है ना, सबसे पहले तो मैं इसको मिटा के जो है मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन ये थी 4x² + 4x - 3 इज इक्वल टू 0। हम क्या करना है, इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो
अगर आपको उससे सॉल्व करना अच्छा लगता है तो उससे सॉल्व करो, अदरवाइज वो एक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे सॉल्व कर दो। पहली वाली जो वैल्यू होती है इसको ए बोलते हैं तो ए इज इक्वल टू 4, दूसरी वाली जो होती है इसको बी बोलते हैं तो बी इज इक्वल टू 4, तीसरी वाली वैल्यू जो होती है इसको सी बोलते हैं तो सी इज इक्वल टू -3। पुट कर दो इस फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। तो -b यानी -4 प्लस -b² यानी 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए, ए की जगह पे भी 4 है, इंटू सी, सी की जगह पे है -3 अपॉन में 2 इंटू ए, ए की जगह पे फिर 4 है, तो ये बना आपका -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 अपॉन 2 4 ज़ा 8 हो गया। तो ये मिला एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 और 48 कितना होता है, तो अगर हम बात करें तो 64 होता है, 64 किसका होता है, 8 का होता है, तो रूट तो 8/8 आया। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिख लेते हैं एक बार माइनस में लिख लेते हैं, तो ये मिला एक्स इज इक्वल टू -4 -8/8, जो कि हम नेगलेक्ट करेंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में हम नहीं लिखते। दूसरा लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू -4 +8/8, तो कितना आएगा, ये आएगा एक्स इज इक्वल टू 4/8 यानी ये आएगा 1/2। तो आपकी एक्स की वैल्यू जो आई है 1/2 आई है, एक्स की वैल्यू जो है 1/2 आई है, इसको सॉल्व करने का आप क्या करेंगे, ये तो खाली एक्स की वैल्यू आई है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें एक्स की वैल्यू आई है 1/2, तो साइन थीटा हमने कंसिडर करा था, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई है। तो साइन थीटा अगर 1/2 आई है, तो साइन थीटा 1/2 कहाँ कहाँ पे होता है, अगर हम बात करें पॉजिटिव में मतलब कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, और कहाँ पे पॉजिटिव होता है, और होता है यहाँ पे पॉजिटिव π-θ यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे साइन π-π/6। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन π/6 और साइन 6π-π/6, जब इसका एलसीएम लेंगे इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 5π/6, ठीक है। तो ये आया साइन π/6 और साइन 5π/6। अच्छा, तो थीटा हमने कंपेयर, ये साइन थीटा की वैल्यू आई है साइन π/6 और 5π/6, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी कंपेयर करने पे, या तो π/6 आएगी या तो 5π/6 आएगी। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे, ये आपका फाइनल आंसर और ये ख़त्म हो गया आपका। तो अगर आप चाहें तो आप अपने क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं, और आप IIT के भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, IIT नेट CDS जिसके आप क्वेश्चन पूछना चाहें मैथमेटिक्स के आप पूछ सकते हैं इस चैनल पे। करना आपको बस ये है कि मैथ्सान के चैनल पे सर्च करना है फेसबुक पे, और उसमें अपने क्वेश्चन डाल देने, आपको 10 मिनट के अंदर उसके आंसर मिल जाएंगे। धन्यवाद।